हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द सेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। मैं हूं मनीष मिश्रा और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे अबाउट अनदर स्कीम जिसका नाम है परामर्श। परामर्श स्कीम के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी एंड ये स्कीम है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की। दिस स्कीम इज ऑफ यूजीसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो गाइस दिस स्कीम वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। द नेम ऑफ द स्कीम इज परामर्श इन द मंथ ऑफ जुलाई 2019। And the objective of the scheme is that under this scheme, the institutes which are accredited by the National Accreditation and Assessment Council (NAAC) will guide the lower institutions which are non-accredited to improve their quality standards. Basically, जो lower graded institutions है यानी कि जो non-accredited institutions है जिनको accreditation नहीं मिला हुआ from the NAAC, उनको guide करने के लिए कुछ accredited institutions को engage किया जाएगा ताकि जो non accredited institutions है उनकी quality को उनकी जो teaching methodology है उसको improve किया जा सके। And the scheme targets 1000 higher education institutions for mentoring with a specific focus on quality as enumerated in the UGC quality mandate। UGC का जो quality mandate है उसके हिसाब से 1000 higher education institutions को guide किया जाएगा, mentoring उनको provide कराई जाएगी ताकि उनके क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सके। नाउ गाइस लेट्स टॉक अबाउट द मेथडोलॉजी जो कि इस स्कीम में यूज हो रही है। सो दिस स्कीम इज ऑपरेशनलाइज्ड थ्रू अ हब एंड स्पोक मॉडल। ओके, इस स्कीम को हब एंड स्पोक मॉडल से ऑपरेशनलाइज किया जा रहा है। वेयर इन द मेंटोर इंस्टीट्यूशंस कॉल्ड द हब इज सेंट्रलाइज्ड एंड विल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गाइडिंग द मेंटी इंस्टीट्यूशंस थ्रू द सेकेंडरी ब्रांचेस विच आर नोन एज द स्पोक, दैट इज द through the services provided to the mentee for the self-improvement. Basically, hub and spoke model क्या है? जहाँ पे mentor institution जिसको हम hub कहेंगे, उसके पास responsibility होगी कि वो mentee institutions को guide करेगा through the spoke. And ये spoke क्या है? These are the services provided to the mentee for their self-improvement. Alright? And this will allow a centralized control over operational efficiency, रिसोर्स यूटिलाइजेशन टू अटेन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द मेंटी इंस्टीट्यूशन। जो मेंटी इंस्टीट्यूशन है उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, उसके ओवरऑल इंप्रूवमेंट के लिए इसमें यह स्कीम अलाउ करेगा अ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ओवर ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। नाउ विच स्कीम्स आर एलिजिबल अंडर, विच इंस्टीट्यूशंस आर एलिजिबल अंडर दिस स्कीम? सो मेंटोर या फिर मेंटी दोनों ही बनने के लिए जो इंस्टीट्यूशन है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो सकता है, गवर्नमेंट एडेड हो सकता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो सकता है या फिर कोई सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है अगर उस इंस्टीट्यूशन को मेंटोर बनना है या फिर मेंटी बनना है। बट मेंटोर बनने के लिए द इंस्टीट्यूशन शुड बी नैक एक्रेडिटेड विद एन ए ग्रेड। ए ग्रेड से एक्रेडिटेड होना चाहिए विद एन ओवरऑल स्कोर ऑफ 3.26 एंड अबव। ओके, 3.26 एंड अबव हो एंड ए ग्रेड का अगर इंस्टीट्यूशंस होगा तभी वो मेंटोर बन सकता है, अदरवाइज वो मेंटोर नहीं बन सकता। नाउ व्हाट आर द रिजल्ट्स जो कि एक्सपेक्ट किए गए थे व्हेन दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड? सो इट विल लीड टू एनहांसमेंट ऑफ ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द मेंटी इंस्टीट्यूशंस एंड एनहांस इट्स प्रोफाइल एज अ रिजल्ट ऑफ इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ रिसर्च, टीचिंग एंड लर्निंग मेथोडोलॉजी। उनकी जो भी रिसर्च है उसकी क्वालिटी को इंप्रूव किया जाएगा, उनके टीचिंग मेथोडोलॉजी को इंप्रूव किया जाएगा एंड लर्निंग मेथोडोलॉजीज को भी इंप्रूव किया जाएगा। एंड दिस स्कीम विल हेल्प द मेंटी इंस्टीट्यूशन टू गेट नैक एक्रेडिटेशन। और क्योंकि उनकी जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव कर दिया जाएगा तो इसके बाद उनको नैक से एक्रेडिटेशन मिलना भी आसान हो जाएगा। एंड इट विल ऑल्सो फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर रिसर्च कोलैबोरेशन एंड फैकल्टी डेवलपमेंट इन द मेंटी इंस्टीट्यूशन। एंड इट विल ऑल्सो हेल्प इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू द 3.6 करोड़ स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड इन द हायर एजुकेशन सिस्टम एट प्रेजेंट। भारतीय हायर एजुकेशन सिस्टम में जो अभी 3.6 करोड़ स्टूडेंट्स एनरोल्ड है उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना भी इसका एक एम था, इससे एक्सपेक्ट किया गया था। Alright, so guys, this was all about the छोटा सा स्कीम। ये स्कीम बहुत छोटा सा है बट इसमें से बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। Alright, so आपको किसी भी स्कीम को मजाक में नहीं लेना है, हर स्कीम को सीरियसली आपको पढ़ना है, हर स्कीम के नोट्स बनाने हैं। Alright, so now let's talk about the NAAC. So NAAC is an organization that assesses and accredits higher education institutes in India, जो कि assess करता है और accredits करता है
हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को इंडिया में, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ओके ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जिसकी फंडिंग कहां से आती है, यूजीसी से, और जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है, बेंगलुरु में. दिस वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1994 इन रिस्पॉन्स टू द रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन. दिस वुड बी ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन थी इन द ईयर 1986, उसकी रिकमेंडेशन पे इन द ईयर 1994 नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल वॉज एस्टैब्लिश्ड. ओके एंड ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है फंडेड बाय यूजीसी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन. सो इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. सो गाइस, स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है? स्टैट्यूटरी बॉडीज वो बॉडीज होती है दैट आर एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. ओके ऐसी बॉडी जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से एस्टैब्लिश की गई है, उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी बॉडी. सो यूजीसी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय यूजीसी एक्ट ऑफ 1956 इन द ईयर 1956 ओनली एंड इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी. ये मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के अंदर वर्क करता है. अब इसकी क्या क्या ड्यूटीज है, क्या क्या ऑब्लिगेशन है? इट इज चार्ज्ड विद कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन. हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना इसकी वन ऑफ द ड्यूटी है. एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स रिकॉग्निशन टू यूनिवर्सिटीज इन इंडिया एंड उनको फंड प्रोवाइड कराना भी इस यूजीसी का ही काम है. जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उनको रिकॉग्नाइज करना एंड उन यूनिवर्सिटीज को फंड प्रोवाइड कराना, कॉलेजेस को फंड प्रोवाइड कराना इज ऑल्सो वन ऑफ द जॉब, वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूजीसी. इसका हेडक्वार्टर गाइस न्यू दिल्ली में है, लेकिन इसके 6 रीजनल सेंटर्स है, पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एंड बेंगलुरु. ओके 6 रीजनल सेंटर्स और एक हेडक्वार्टर कहां पे इसका? न्यू दिल्ली में. एंड इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय यूजीसी एक्ट ऑफ 1956. ऑलराइट, सो नाउ गाइस आई होप आपको परामर्श स्कीम बिल्कुल क्लियर है. ये बहुत छोटी सी स्कीम है, बट ऑफ कोर्स मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है. ओके सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चंस. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग परामर्श स्कीम एंड आइडेंटिफाई व्हिच स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट. सो लेट अस रीड आउट द स्टेटमेंट नंबर 1. इट एम्स टू प्रमोट क्वालिटी अश्योरेंस इन हायर एजुकेशन. इट एम्स टू टैप द टैलेंट पूल ऑफ साइंटिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर्स इंटरनेशनली टू एनकरेज देयर एंगेजमेंट विद द इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया. And it aims to guide the students in selecting the right institution for higher education. So guys, ये statement 2 और statement 3, ऐसा कोई भी aim हमारी परामर्श स्कीम का नहीं है. So guys, statement 1 जो है हमारी बिल्कुल सही है, इसका मतलब option A 1 only will be the correct answer to this question. Alright? Now, question number 2. The scheme परामर्श is operationalized through which model? किस model के through इस scheme को, परामर्श scheme को operationalize किया गया है? तो अभी हमने पढ़ा था guys, ऑप्शन बी हब एंड स्पोक मॉडल विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. द स्कीम परामर्श इज ऑपरेशनलाइज थ्रू हब एंड स्पोक मॉडल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन मिनिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस द परामर्श स्कीम. सो लेट अस रीड आउट द ऑप्शंस. ऑप्शन ए इज एन इनिशिएटिव टू मेंटोर नॉन एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशंस टू गेट एक्रेडिटेड बाय 2022. यस दिस ऑप्शन सीम्स करेक्ट. Now let's talk about option B, an initiative by the Ministry of HRD to establish higher education institutions in backward areas. No, ऐसा कोई provision नहीं है इसमें. An initiative by Home Minister to train 10,000 military personnel to be deployed in most hit areas. No, this is not there. An e-governance initiative by Ministry of Electronics in backward areas. No, this is also not there. So guys, option A will be the correct answer to this question. Now question number 4. In the context of the Paramarsh scheme, what defines correctly about hub and spoke? So option 1 is mentor institution called the hub. Yes, jo mentor institution se unko hub kaha jayega. Secondary branches to be guided is called the spoke. Yes, jo bhi unko services provide karai jati hai mentee institutions ko, these are known as what? Spoke. Mentee institutions called the spoke. Nahi, mentee institutions ko spoke nahi kaha jata. Jo bhi secondary branches ke through unko services provide karai jati hai, usko spoke kaha jata hai. And option 4 is hub is the mentor institute and spoke is the methodology to teach. No, option 4 is incorrect. So therefore guys, option C 1 and 2 will be the correct answer to this question. Now question number 5. How many institutes are targeted under the scheme Paramarsh for mentoring with a specific focus on quality as enumerated in the UGC quality mandate? So in total guys, there is a target of 1000 higher education institutions jinko guide kiya jayega to improve their quality, to improve their teaching methodology, to improve their learning methodology. All right.
सो ऑप्शन ए 1000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विल बी द करेक्ट आंसर. ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द सेशन. आई होप यू लाइक इट एंड लेट मी टेल यू दैट जो गवर्नमेंट स्कीम वाले गाइस हमारे सेशन है वो सैटरडे और संडे को होंगे सुबह 8 बजे. इसके अलावा मंडे टू फ्राइडे पीआईबी सेशन कंटिन्यू रहेगा. ऑलराइट, फॉर मोर अपडेट्स डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस.